मुश्किल भले मौसम मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है, विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ है।
Bye.
बेरोजगारी से बचा लड़ाई
मुश्किल भले मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ है हम दिल की सुनकर निकले हैं इस देश ने दिया
से पंजा लड़ा
दर्शन मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है, विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ है, हम दिल की सुनकर निकले हैं, इस देश ने दिया। अच्छा, अगर आप लोगों को चॉइस दी गई जो आप करना चाहते हो तो आप क्या करते हैं? सर, मैं फिर भी डॉक्टर ही बनना चाहती हूँ। 16 साल का था और मेरे पिताजी ने कहा तुमको IIT देना है। Yes. और मैंने IIT का एग्जाम, क्या करूँगा समझ नहीं। रिलैक्स करो, कुछ नहीं होता। आपको ऐसे लगना चाहिए कि आप घर में बैठे हो फैमिली के साथ। हम लोग MKSS के साथ अलग अलग मुद्दों पे काम करते हैं। आज जो हमने डिस्कस किया था वो मुद्दा हमारा डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए था। भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत बढ़िया शुरुआत थी। जो हम जैसे लोग हैं और हम जिन लोगों पे काम करना चाहते हैं उनकी समस्याएं निकल कर बाहर आई हैं। ये श्रमिक कामकाजी जो महिलाएं होती है उनका लेबर का कोड नहीं है और उन्हें ILO से जोड़ा जाए 189 में, और कई हद तक उनका समाधान भी होगा। अब मैंने उनसे बात कर ली है, अब आप उनके पास जाओ। अच्छा, ठीक है, अब ये कर देंगे। हम जैसे निचले स्तर के जो लोग होते हैं, अगर हम कोई मुद्दा लेकर जाते हैं उसके लिए भी हमें काफी समय इंतजार करना पड़ता है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के तहत उन्होंने हाथों हाथ हमारी बात सुनकर CM साहब तक पहुँचाई। जो महिलाएं घर में झाड़ू पोछा करती हैं, हम उन महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि और भी महिलाएं हमारे साथ आएं और उन महिलाओं के लिए लड़ें और उनकी परेशानियों में उनका साथ दें। मेरा नाम सौमति देवी है। मेरा नाम राजकुमारी मीना है। बच्चों ने बोला, मम्मी आप कहाँ मिल पाओगी राहुल जी से, इतनी भीड़ है। मैं इनकी बेटा गंगा राहुल गांधी जी से ही है। महंगाई से
हम बहुत परेशान हैं। हमारा रसोई का बजट पूरा गड़बड़ा चुका है। 1000 का हमारा सिलेंडर आ रहा है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और रैली में ये बोलना राहुल जी, भारत यात्रा जोड़ के रखना और बड़े बुजुर्गों, किसानों का, गरीबों का, सबका ध्यान रखना। आप जैसे महात्मा गांधी जी ने करा था ना देश में, ऐसे राहुल गांधी जी कर रहे हैं और ऐसे करते रहेंगे और बहुत अच्छे हैं राहुल गांधी जी। हमें बहुत खुशी हुई भारत जोड़ो यात्रा, हम राहुल गांधी जी से मिले भी, साथ साथ चले भी, देश को जोड़ के रखेंगे राहुल गांधी जी। भारत जोड़ो क्या है, राहुल गांधी जी का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, जिसके अंदर हम क्या है, देश में जो नफरत का माहौल है, युवाओं के अंदर बेरोजगारी के प्रति ऐसा मन बैठ गया है कि हम, अरे हमारे लिए आने वाले टाइम में नौकरियां नहीं रहेंगी, संवैधानिक संस्थाओं पर अतिक्रमण हो रहा है, जो सरकार ने या कांग्रेस सरकार ने जो बनाई थी पहले बड़ी महारत्न कंपनियां, उनको कुछ उद्योगपतियों के हाथों बेचा जा रहा है, या खेती में डायरेक्ट जो भी बीज खरीदते हैं, खाद खरीदते हैं, तो उनके लिए वो बहुत महंगे हो गए। भारत जोड़ो इसलिए ज़रूरी है सर कि जो माहौल बिगड़ गया है ना देश का, जो भाईचारा था, हमारी जो विविधता में एकता वाली संस्कृति थी, हमारा जो पुराना माहौल था, भाईचारा था, देश में एकता थी, सद्भावना थी, वो सब वापस बने, वैसा का वैसा बने, ताकि हम भी लोगों के साथ घुल मिलकर रह सकें। भारत जोड़ो यात्रा जब से चालू हुई है सितंबर से, मैं पूरी नजर रखे हुए था। राहुल गांधी जी ने मुझे देखा, सर ने अपनी तरफ बुलाया और सर से मिलके पहले तो मैं बहुत ही ज्यादा भावुक हो गया था। सर ने बोला आप बात करिए, रोने से कुछ नहीं होगा। मैंने सर को बताया कि मेरे को क्या प्रॉब्लम हुई थी। मैंने आर्मी के लिए 2 साल तैयारी करी थी, मेरा फिजिकल भी पास था, मेडिकल भी फिट था, लेकिन वैकेंसी रद्द होने के साथ पेपर कैंसिल हो गया था। लेकिन राहुल गांधी जी ने बोला आप अपने आंसू वेस्ट मत कीजिए, आप इस देश के युवा हो, आप और मेहनत करो, नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करो, इस देश का युवा ही हमारे को आगे ले जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा का यही मोटिव है। राहुल गांधी जी के साथ मिलना तो एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। देखिए यात्रा में बुजुर्ग लोग मिले, बच्चे मिले, महिलाएं मिली, उन सबका उनने सम्मान करा। राहुल गांधी जी देश के गांव-गांव से निकल के जन संपर्क करके, शहर शहर कस्बों से निकल के इस देश को जोड़ना चाह रही है। जैसे कि अभी करंट सिचुएशन है, भारत में बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ चुकी है, युवा परेशान है, मैं चाहता हूँ राहुल गांधी जी 2024 में देश के प्रधानमंत्री बने। इस देश का युवा प्रधानमंत्री बनेगा तो इस देश के युवाओं की बात जान पाएगा। मैं इस वीडियो के दौरान बस यही कहना चाहूँगा, भारत जोड़ो यात्रा में आप जुड़िए, राहुल गांधी जी आपकी बात सुनेंगे, बेरोजगारी से छुटकारा, गरीबी लाचारी सबसे छुटकारा मिलके एक अच्छा देश बनेगा। वो इस देश को जोड़ रहे हैं, वो युवाओं को जोड़ रहे हैं, बुजुर्गों को जोड़ रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकजुट देश को इकट्ठा करके देश की ताकत पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो आप इस यात्रा से जुड़िए। माय नेम इज अभिषेक प्रियदर्शी। देखिए भारत जोड़ो यात्रा से तो हम सभी जुड़े हैं, और इसलिए जुड़े हैं ताकि देश में जो स्थितियां हैं आज की तारीख में वो इरिवर्सिबल फेज में ना चली जाए। जब तक मौका है हमारे पास चीज़ों को बचाने का, चीज़ों को ठीक करने का, तब तक हम प्रयास करें और देश को बचाएं। भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। देखिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है इक्वालिटी का मुद्दा। जब मैं इक्वालिटी की बात करता हूँ, जब मैं समता की बात करता हूँ, तो वो समता हर विषय में है, इकोनॉमिक सेंस में हो, चाहे वो जेंडर सेंस में हो, चाहे वो रिलीजियस सेंस में हो, हर तरीके से इक्वालिटी को खत्म किया जा रहा है। हर बिजनेस आज की तारीख में मुश्किल में है, विशेष रूप से छोटे दुकानदार, हर बिजनेस को अक्वायर किया जा रहा है चंद लोगों के द्वारा। भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ना इस देश को बचाने के लिए है। जिस समय भारत छोड़ो का नारा गांधी जी ने दिया, उस वक्त भी लोग जुड़े। लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, और मैं देख पा रहा हूं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी उत्साह भरता चला जा रहा है। जैसे लोग बिल्कुल चुप हो गए थे, वो चुप्पी टूटी है। सबसे बड़ी बात यह चीज हुई है। जनता जो आई है ये अपनी खुशी से आई है, इनके साथ लग रही है, वहाँ से यहाँ तक पैदल कैसे भी चल के, आदमी काम धंधा छोड़ के दुकानें बंद करके इनके साथ लग रहा है। जब से ये यात्रा शुरू है एक नया बदलाव लेके उभरा है, एक नई दिशा लेके उभरी है।
राहुल गांधी जी का जो चेहरा एक नया उभर के आया है, इसलिए मैं राहुल जी के आगे सपोर्ट में हूँ। वो युवाओं का, हमारे लोगों का साथ दे और विकास करे। विपक्ष पार्टी जो ये धर्म के नाम पे, राजनीति के नाम पे और हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो ये नफरतें फैला रहे हैं, इस यात्रा को देखते हुए लोग जुड़ रहे हैं, युद्ध जुड़ रहा है। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हैं, सब भाई भाई। एक संदेश ये मिल रहा है, सब हम एक जगह सो रहे हैं, सभी धर्मों के हम एक साथ खाना खा रहे हैं और एक नया जोश और नया एक जुड़ाव मिल रहा है। मेरा नाम विवेक कुमार है और मैं स्टडी में बीए कर रहा हूँ और अभी कठपुतली नृत्यक हूँ। यात्रा में जाने के लिए इतने उत्साहित थे, हम सुबह 3 बजे जग गए थे, नहा धोकर नाश्ता करके सुबह ही हमें सर लेके आ गए यहाँ पर। पहले तो मुझे लगा नहीं था कि मिल पाऊंगा राहुल गांधी जी से, बट मुझे जब भीड़ में आगे जाके मौका मिला, एक उन्होंने बुलाया मुझे, कठपुतली को देखा मेरे को तो उन्होंने बुलाया, तो उन्होंने पूछा मेरे बारे में कहाँ से हो और कठपुतली नृत्य कहाँ से सीखा। मैंने कठपुतली मैंने यूट्यूब से ही सीखा है, मैंने कासाईकरण और वो पूरी हुई, मैं उनसे मिल पाया। भारत जोड़ो यात्रा में यहाँ से अलग अलग स्टेट अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं, वो सब एक ही पलंग लेके आए कि राहुल गांधी जी से मिले। भारत जोड़ो यात्रा में ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको मैं यही बताना चाहूंगा कि आप लोग एक संगठन में रहिए, सबसे मिलजुल कर रहिए। मेरा बहुत ज़्यादा मन था उनसे मिलने का। आई एम वेरी लक्की डेट आई कैन मीट हिम। मैंने एक्चुअली आई हैड डन माय कथक ग्रेजुएशन 6 ईयर्स। उन्होंने मेरे को कहा भी से अगर आपने कथक कराया 6 ईयर तक तो आप थोड़ा सा करके बताओ, तो मैंने चलते चलते थोड़े से तत्कार हाथों के साथ करके बताया उन्हें जो उनको अच्छे लगे। जब से बीजेपी आई है उसके 1 साल बाद ही उन्होंने सबसे पहले डिमोनेटाइजेशन कर दिया था, उसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हाईजेक कर रखा है, हर तरफ मतलब महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ा रखी है, सब चीज़ों में राइजेज हाई चलते जा रहे हैं। राहुल सर सबको एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, जो अपने इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सी यंगस्टर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उस हिसाब से वो भारत जोड़ो यात्रा इसलिए रख रहे हैं ताकि वो हर एक स्टेट टू स्टेट जाकर इस चीज़ को अपना मतलब मैसेज पहुंचा सके कि वी आर पीपल ऑफ इंडिया टुगेदर। को ऐसा लगा जो राहुल सर स्टार्टिंग से अपने चीज़ें बताते आए भारत जोड़ो यात्रा से ये चीज़ें होगी, अनएम्प्लॉयमेंट हटेगा, यंगस्टर्स के लिए बहुत सी चीज़ें आगे से आगे बढ़ेगी, तो मेरा भी मतलब मैं पहले सुनती आई हूँ कांग्रेस पार्टी के स्टार्टिंग से हर चीज़ें, इसलिए मैं ज़्यादा सपोर्ट कर रही हूँ भारत जोड़ो यात्रा को। लास्ट मैसेज भारत जोड़ो यात्रा के लिए यही है कि जो लोग भारत जोड़ो यात्रा में कंटिन्यू फॉलोवर्स चल रहे हैं वो ऐसे सपोर्ट करते रहें भारत जोड़ो यात्रा को और उसको उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मेरा नाम ध्रुव शुक्ला है और मैं भोपाल में रहता हूँ। मैं एक लेखक हूँ, पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ, पढ़ने लिखने वाला भारतीय नागरिक हूँ। इस देश में पदयात्रा की परंपरा बड़ी पुरानी है। जब जब अन्याय हुआ, जब जब देश संकट में आया, तो महान लोगों ने पदयात्राएं की। महात्मा बुद्ध ने पदयात्रा की, विनोबा भावे ने भूदान के लिए पदयात्रा की, वो गांधी जी की पदयात्रा को कौन नहीं जानता। जब कोई ना सुने किसी की तो पैदल निकल पड़ो, और इस समय भारत में एक ऐसा निजाम है जो बहुत ही अभद्र है, वो सुनता ही नहीं किसी की। नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिक्स, रिलीजन और सोसाइटी का मार्केटाइजेशन कर दिया। आप सोशल रिलेशनशिप के लिए निकले तो आप जो रिलेशन बना रहे हैं, आप मार्केट में नहीं है, आप समाज में खड़े, बाजारीकरण कह सकते हैं, और राजनीति का बाजारीकरण करेंगे तो राजनीति समाज सेवा कैसे रह जाएगी, वो तो लाभ का धंधा बन जाएगी। और राजनीति कोई मार्केट तो है नहीं, कोई दुकान तो है नहीं जहां से प्रॉफिट कमाई जा सके। जनता एक जीती जागती देश की तस्वीर है और वो तस्वीर बदलनी चाहिए उसकी। वो अगर गरीब है तो उसको सुखी होना चाहिए,
वो अशिक्षित है तो उसको शिक्षित होना चाहिए, अगर उसको रोजगार नहीं मिल रहा है तो उसको रोजगार मिलना चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी ये बात कहने निकले हैं कि फैली हुई नफरत के बीच में लोकतंत्र को बचाना कठिन हो जाएगा, प्रेम के रास्ते से चलना पड़ेगा, क्योंकि ये देश इतना बड़ा है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कई तरह के लोग रहते हैं, उन सबके भाईचारे के बिना देश नहीं चलेगा। तो राहुल भारत के एक विश्वसनीय नेता है, उन पर भरोसा किया जा सकता है और मुझे लग रहा है कि भरोसा लोग करेंगे। मेरा नाम शाहरुख खान मेवाती, युवा भपंग वादक, अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार। मैं राजस्थान के अलवर भरतपुर क्षेत्र से मेवात क्षेत्र से बिलोंग करता हूं। मेवाती जोगी समुदाय में हमारी 7-8 पीढ़ियां हैं जो भपंग वादन करती हैं। भपंग एक फोक इंस्ट्रूमेंट होता है जो राजस्थान में बजाया जाता है। तो जब कांग्रेस सरकार सेंटर में थी तो युवाओं के, हम जैसे लोक कलाकारों के लिए अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलती थी कला के क्षेत्र में। किसी भी स्टेट को उठा ले जहाँ की कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम, तो हमें बोला जाता है था कि यार किन लोगों को सब्सिडियां ग्रांटें दी जाती थी। अकेडमीज की बात करें तो आज अकेडमियां बंद होने की कगार में, कला को समाप्त कर दिया गया है, कलाकार बेरोजगार हैं, कलाकारों के लिए ग्रांट नहीं मिल रही है। जहाँ इस टाइम कांग्रेस की सरकार है अच्छी भला राजस्थान में है और अदर स्टेट में, राजस्थान में आज सब्सिडियां केवल राजस्थान सरकार के द्वारा ही कलाकारों को दी जा रही है। हम राहुल जी से प्रभावित हैं, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत के दिलों पर राज करने वाली पार्टी है। हर युवा, गरीब, बेरोजगार सबके लिए है। नफरतों के बीज जो हर दिल में जलाए गए हैं, इनको हम प्यार से, मोहब्बत से, फूल मालाओं से लोगों के दिल में राज करने के लिए चले हैं, तो ये सब खत्म हो। भारत जोड़ो यात्रा से सबों के दिल मिले। जो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, खत्म हो। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम ब्रिगेडियर प्रदीप यदु है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत ही अच्छी मुहिम है, क्योंकि जिस हिसाब से आज देश छोटे छोटे भागों में बांट रहा है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और बहुत सारी विचारधाराओं के नाम पे। अग्निवीर, आप अग्निवीर 6 महीने की ट्रेनिंग में सैनिक नहीं बन सकता। मुझे सेकंड लेफ्टिनेंट बनने के लिए 4 साल लगे थे, 6 महीने की ट्रेनिंग में। ना तो वो सैनिक बनेगा ना सिविलियन बनेगा। लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा में जो आदमी की समस्याएं हैं, चाहे वो एक वृद्ध हो, पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, युवा हो, वो सब अपनी अपनी बातें उनके सामने रख रहे हैं, वो उसको नोट कर रहे हैं। स्वतंत्रता के पहले जो हुई थी उसके बाद शायद ये सबसे बड़ा मार्च हिंदुस्तान में अभी किया जा रहा है।
तूफान उठे, मुश्किल भले मौसम मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है, विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ है।
मुश्किल भले मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ है हम दिल की सुन कर निकले हैं इस देश ने दिया
Bye.
चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली।
मुश्किल भले मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ है हम दिल की सुनकर निकले हैं इस देश ने दिया
सब मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है, विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ है, हम दिल की सुनकर निकले हैं, इस देश ने दिया। चली 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 चली।